अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सुबह खैर। हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं नाश्ता बनाने अपने किचन में आ गई हूँ और अपने हस्बैंड को बना के दे चुकी हूँ। और आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग भी सब खैर खैरियत से होंगे। और मैंने कल दालचा बनाया था, वो दालचा पराठे के साथ दिया है इनको, सालन दालचा। और कल तो हमारा दिन बहुत मशरूफ़ गुजर गया था और अब हम ये देखते हैं। हमारा हलवा भी है, चने की दाल का हलवा, ये भी खाएंगे अभी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। और क्या कहते हैं, मैं अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए पराठा बनाऊंगी और अभी चाय निकालूंगी, अपने हस्बैंड को दूंगी। अब फ्रेंड, हमारा नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब मैं अपने किचन में आई हूँ और अब देखें किचन का काम करूँगी, किचन साफ करूँगी। ये बर्तन है, थोड़े से इनको वॉश करूँगी और इसके बाद खाने का देखें क्या पकता है। तो पहले वैसे तो सालन रखा हुआ है और ये सालन रखा हुआ है थोड़ा सा, अभी भी खा लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। अब दोबारा ये सालन हो रहा था, नया सालन चाहिए होता है। और देखिए क्या करती हूँ अभी फ़िलहाल, तो अभी मैं किचन साफ़ करूँगी। हो सकता है कहीं मुझे काम से भी एक जगह जाना है और देखिए जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। अपने मोबाइल का मसला, वो सिम का मसला हो, ये अभी 5 बजने वाले हैं और हम लोग अभी आराम कर रहे थे। खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और खाने के बाद तो वैसी नींद सी आने लगती है कि दिल चाहता लेट जाओ बस। और अभी उठी हूँ मैं और इस जब बहुत ज़्यादा देर तक के भी नहीं लेट सकती। और ये बाहर का व्यू है शाम का, धूप अभी अच्छी खासी निकली हुई है। 5 बजने वाले हैं, 4:45 हो रहे। और मेरे हस्बैंड ने बेल इसकी ठीक करी थी, लेकिन इसमें कोई आगे जगह नहीं है इसको के हिलाया जाए, मतलब ये माशाल्लाह से फैल जाए बहुत, बस यहीं तक के ही। मैं अपने किचन में चाय बनाने आई हूँ और चाय का टाइम हो गया है और चाय बन रही है। और दोपहर में आज मैंने कुछ पकाया नहीं था, कल का सालन था वही चलाया था, लेकिन अपने हस्बैंड को आलू के पकौड़े बना दिए थे तो उन्होंने रोटी से खा लिए थे शौक से, और क्योंकि उन्हें पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने रोटी के साथ खा लिए थे। अब देखिए चाय बन रही है, मैं असर की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। मेरी सिस्टर ऐसी बेखबर सो रही है, कल थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी तो अभी सो रही हैं, अभी उनको चाय लेके जाऊँगी तो उठ जाएंगी, उन्होंने अभी नमाज़ पढ़नी है। और ये है आज का, आज की मशरूफियात। वैसे तो हमें आज जाना था लेकिन हम गए नहीं, गर्मी की वजह से थकन भी थी कल की, इसलिए गए नहीं शॉपिंग के लिए। ये देखिए फ्रेंड, मैं आलू बैंगन बना रही हूँ और ये कल के लिए, हो सकता है सुबह में हम हॉस्पिटल चले जाएं क्योंकि कल हॉस्पिटल गए थे तो हमको, मेरी सिस्टर को स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखा रहा था, वो उड़ गई थी, इसलिए अब दोबारा जाना पड़ेगा। और हो सकता है हम शॉपिंग के लिए भी चले जाएं वहीं से, तो अब सालन पका हुआ होगा तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और चाय हम पी चुके हैं, बस ये काम है हमारे, अब आटा गूंदना है थोड़ा सा रात के लिए। वैसे तो पता नहीं खाते के नहीं खाते, लेकिन सुबह नाश्ते के लिए तो गूंदना होगा ना। ये है हमारा काम का, अभी जब ये पक जाएगा तो फिर फाइनली।
ये फाइनली लुक देख ले बैगन आलू का। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, अल्लाह ताला सबके रिज़िक में बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। सबके दस्तरखान हमेशा हरे भरे रहे, आमीन। और इसके साथ रोटी बनाऊंगी मैं, और नमाज के बाद अभी तो टाइम है रोटी बनाने का, मगरिब के बाद बनाऊंगी रोटी। ये काम भी मेरा हो गया, अब ज़रा सा काम करो गंदगी सी हो जाती है, ज़रा अब करना पड़ता है सब ये चूल्हे वगैरह। चाय थोड़ी सी गिर गई थी। और फ्रेंड्स, मेरे ये किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, रोटियां बना रही हूँ, रोटियां मैं मगरिब के बाद बनाऊंगी। और आप लोग को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस आप लोग देखते रहे, और कमेंट्स भी करें। कमेंट्स मुझे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहे, व्यूज़ तो आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे। और मेरे चैनल को क्या कहते हैं उसको, तरक्की भी आगे बढ़ाए मेरे चैनल को, प्रमोशन करें मेरे चैनल को। और अपना ख्याल रखिएगा, बहुत आवाज़ें आ रही है। गिव यू वॉचिंग माई व्लॉग, और अल्लाह हाफिज़।